हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड केक। ये बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपी है। कस्टर्ड केक बनाने के लिए फर्स्ट हमें कस्टर्ड बनाना होगा। सो कस्टर्ड बनाने के लिए पहले मैं लूँगी 1 कप मिल्क। उसमें मैं 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। मैंने वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप जो अवेलेबल है आपके पास या मार्केट में वो ले सकते हैं। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। अब मैं बेकिंग ट्रे को वेजिटेबल ऑयल से ग्रीस करूँगी। यू कैन इवन यूज़ बटर एंड प्लेस बटर पेपर एट द बॉटम। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप बेकिंग टिन को मैदे से डस्ट कर देना। इवन दैट वर्क्स अमेजिंग। अब हमारी कस्टर्ड में बॉईल आना शुरू हुआ है एंड दिस इज परफेक्ट कंसिस्टेंसी। जब इस कंसिस्टेंसी में कस्टर्ड पक जाए तब आप फ्लेम ऑफ कर देना और इसे कूल होने के लिए रख देना। अब हम हमारे केक का ड्राई इंग्रेडिएंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट के लिए मैं एक स्ट्रेनर लूँगी। उसमें मैं अराउंड 1 कप मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर डालूँगी। उसमें मैं अराउंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करूँगी और हमें अच्छे से इसे स्ट्रेन करना है। एंड डोंट स्किप दिस स्टेप, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। फॉर माई वेट इंग्रीडियंट्स आई रिक्वायर 3 eggs, 1/2 cup ऑयल, 1/2 cup शुगर एंड वनीला एसेंस। एज आई डोंट हैव इलेक्ट्रिक विस्कर आई विल प्रिपेयर माई वेट इंग्रीडियंट्स इन अ मिक्सर ब्लेंडर। Add each ingredient at a time and blend it for around 30 to 40 seconds. ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर नहीं है। सेम आउटकम निकलता है। आई हैव ट्राइड इट मैनी टाइम्स एंड इट वर्क्स आउट गुड। Meanwhile, मैं प्री हीट करूँगी अवन एट 180 degrees Celsius फॉर 10 minutes। Now I'll add this wet ingredient which I have made in mixer blender to the flour mixture। हमें इसे अच्छे से whisk करना है और make sure करना है कि उसमें कोई lumps ना हो। Whisk this mixture in one direction only। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड जो मैंने ठंडे होने के लिए रख दिया था। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है until it becomes स्मूथ कंसिस्टेंसी और इसमें कोई लम्स ना रहे। तब तक इसे हमें अच्छे से मिक्स करते रहना होगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसे मैं अब बेकिंग टिन में डालूँगी। हमें इसे अब 5 to 6 times ऐसे टैप करना है। अगर कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाएगा। मैं अब केक को अवन में बेक करूँगी एट 250 degrees Celsius फॉर 25 minutes। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हैं एट मीडियम फ्लेम फॉर अबाउट 40 to 45 minutes।
नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 25 मिनट्स और मेरा बेक हो गया है। मैंने उसे नाइफ से चेक किया था एंड इट केम आउट क्लीन। सो मैं अब केक को अवन से बाहर निकालूंगी और उसे कूल होने के लिए रख दूंगी। जब केक कूल हो गया था तब मैंने उसे डीमोल्ड किया था एंड आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट। दिस इज़ माई केक हाउ इट टर्नड आउट। बहुत ही स्पॉन्जी एंड अच्छे से बेक हुआ है एंड बहुत ही टेस्टी बना था। एंड प्लीज़ गिव अ ट्राई टू दिस रेसिपी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कॉमेंट बिलो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू हैव कम टू दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन डू वॉच माई वीडियोज लिंक्ड बिलो। एंड इफ़ यू लाइक देम then please do subscribe to my channel and hit the bell button so you get notification every time I upload a new video. I'll see you next time. Bye.